विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जांपल है 5x² - 6x - 2 = 0 गिवन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें स्क्वेयरिंग मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें पता है अगर x² के जो कोएफिशिएंट है कुछ भी रहा तो यहाँ पर 1 लाने का हम कोशिश करना, तो ताकि आगे का जो कैलकुलेशन है सिंप्लीफिकेशन है कोई ईजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 5 है, तो इस होल इक्वेशंस को 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करो, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करो, तब ये बनता है x² - 6/5 टाइम्स x - 2/5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग मेथड से करो बोलता है। तो x² - 6/5 टाइम्स x एज वेल, यहाँ पर प्लस सम कांस्टेंट के स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस सम कांस्टेंट के स्क्वायर वही कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस भी कर दो, -2/5 आगे का एज वेल। तो हमें मालूम है एक के का वैल्यू आगे का क्या हो जाता है। ये मिड टर्म में उस साइन देखना मत, मिड टर्म 6/5 है, 6/5 को 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो ये यहाँ बना के का वैल्यू 2 1 2 3 3 1 3 5 1 5, यानी k का वैल्यू मिला हमें 3/5। जहाँ भी k दिख रहे 3/5 रखेंगे हम, तो x² - 6/5 टाइम्स x प्लस 3/5 होल स्क्वेयर, क्योंकि इसके स्क्वायर k का वैल्यू 3/5 रखा लेकिन स्क्वेयर है स्क्वेयर रखा, माइनस यहाँ पर 3/5 होल स्क्वेयर -2/5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बनते ये पार्ट बनते एक्स, ये माइनस है, यहाँ माइनस 3/5 होल स्क्वायर बनते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनते हैं। और दिस इक्वल्स, ये नेगेटिव टाइम्स है वो साइड बनाओ, तो नेगेटिव 3/5 होल स्क्वायर पॉजिटिव में यहाँ से आ जाएगा, यहाँ भी 2/5 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ बनते 9/25 प्लस 2/5। ठीक है, तो दिस इक्वल्स क्या बनते 25, अगर एलसीएम आया तो ऊपर 9 प्लस यहाँ पर 5 2 10 बनते हैं। तो यहाँ पर x - 3/5 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 19/25 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर और एक बार लिख लेंगे, x - 3/5 होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 19/25। तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट लिया तो क्या होता है देखेंगे, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले और यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट ले, तो दोनों तरफ अगर स्क्वेयर रूट लिया तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा, तो x - 3/5 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पर प्लस और माइनस √19 ऊपर का एज यूजल डिवाइडेड बाई √25 नीचे का डिनोमीटर में, आल्सो एज यूजल प्लस और माइनस। ओके, तो x - 3/5 इज इक्वल्स टू +/√19/5। तो ये साइड में लाओ राइट साइड में, तब क्या बनते हैं x इक्वल्स, हमें x का वैल्यू चाहिए 3/5 +/√19/5। तो दोनों में 5 है तो कॉमन, तो कॉमन 5 अगर रहा तो 5 ले लो, तो अंदर रहेगा 3 ±√19, यानी x का वैल्यू एक मिल रहा है 3 +√19/5 और दूसरा मिल रहा है x का वैल्यू 3 -√19/5। ये दोनों हो गया x का इस इक्वेशंस का सेट ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, यहाँ पर x का वैल्यू रखो बोलते, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे अभी 3 +√19/5 एक वैल्यू हो गया, दूसरा वैल्यू हो गया x का वैल्यू 3 -√19/5। ये दोनों इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।